आपने कभी सोचा है कि कोई छात्र बिना किसी कोचिंग की मदद के अपनी बोर्ड परीक्षा में कैसे टॉप कर सकती है? आज हम आपको मिलवा रहे हैं गौरी जैन से, जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। मेरी परसेंटेज 95.8% है, तो आज मैं आप सभी के सामने अपने एग्जाम एक्सपीरियंस को सामने रखना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि कैसे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। और मेरी स्ट्रीम जो है ह्यूमैनिटीज़ है, मैंने ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ लिया था, तो कैसे हमें ह्यूमैनिटीज़ में आंसर लिखने चाहिए इस बारे में आपको मैं थोड़ा एडवाइस करना चाहती हूँ। और जो हमारे अब 12th में बच्चे आए हैं या और जो आगे अब 10th या 12th के एग्ज़ाम देंगे, तो उसके बारे में आपको थोड़ा एडवाइस करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने अपने मन से ह्यूमैनिटीज़ ली थी और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मेरे मार्क्स जो हैं वो 10th में कम हों। 10th में भी मेरे 95 से अबव मार्क्स थे और मैंने अपने मन से ह्यूमैनिटीज़ ली थी। तो अब मैंने सेल्फ स्टडी करी है। ह्यूमैनिटीज़ में वैसे भी सेल्फ स्टडी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो आपको वो कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले मेरा जो पढ़ने का तरीका था वो ऐसा था कि हिस्ट्री या पॉल साइंस अगर मैं पढ़ती थी तो मेरे टीचर्स मुझे बहुत गाइड करते थे पहली बात, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी मैं उनसे ज़रूर पूछती थी। और इसके अलावा जैसे आपने सोचो एक चैप्टर पढ़ा, अब हम सोचते हैं कि समझ नहीं आया हम कोई वीडियो देख लेते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर उसे बार बार रीड करोगे तो वो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो जैसे कि वो पहली बार पढ़ा हमें कम समझ में आया, दूसरी बार पढ़ा और अच्छा समझ में आया, तो अगर आप उस चैप्टर को 3-4 बार पढ़ लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना है और अपने पे विश्वास रखना है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं हो रहा मुझसे नहीं हो रहा, ये नहीं सोचना, अपने पे ट्रस्ट रखो, कॉन्फिडेंस रखो और फिर उसको पढ़ो। और फिर आपको कोई दिक्कत आए, देखो अगर आप कोई चैप्टर पढ़ोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक कुछ भी समझना है, कुछ तो समझ में आएगा ही। और अगर आप 3-4 बार चैप्टर पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको एक दो टॉपिक ना समझ में आए। तो यहाँ आपको अपने टीचर्स की गाइडेंस की ज़रूरत होती है या फिर यूट्यूब पे जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं तो उनकी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। मैंने अपनी आंसर राइटिंग करी ह्यूमैनिटीज़ में, तो ह्यूमैनिटीज़ एक ऐसी स्ट्रीम है जहाँ पे आपकी आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कुछ भी लिख कर नहीं आ सकते, आप कुछ भी लिख कर आके सोचो कि आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो तुम्हें दिमाग में रखने चाहिए एग्ज़ाम को लिखते वक्त, तो वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। तो क्या होता है कि हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हिस्ट्री और पॉल साइंस तो ऐसे सब्जेक्ट हैं इसमें हम लिख कर आ जाएंगे और जितना बड़ा आंसर उतने ज़्यादा नंबर, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें पॉल साइंस में लिखते वक्त और हिस्ट्री में भी लिखते वक्त, पहली बात SST में लिखते वक्त हमेशा हमें पॉइंट्स में लिखना होता है। उसके बाद पॉइंट्स में लिखते लिखते आपके हर पॉइंट में जो भी इम्पॉर्टेंट बात हो 3-4 शब्द उसको अंडरलाइन करो, क्योंकि जब भी जो हमारा एग्जामिनर होता है वो जब हमारी कॉपी चेक करता है तो उस टाइम हमारी प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो अपनी प्रेजेंटेशन पे हमेशा ध्यान रखो कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। तो आप अच्छी राइटिंग में लिखो। अब कुछ का ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम अच्छी राइटिंग करेंगे तो हमारा पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आप जो आपके एग्ज़ाम में 15 मिनट मिलते हैं ना पहले पढ़ने के लिए, उसको आप यूटिलाइज करो, MCQ और पैसेज तो 15 मिनट में सॉल्व हो ही सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा दे दो अपना, और मैंने जो किया था मैंने अपना 1 घंटा रखा था लॉन्ग आंसर के लिए। किसी किसी को ये बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपके लॉन्ग आंसर का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो इसलिए एक एक पॉइंट लिखो, सोच के लिखो और अपना आराम से उसमें टाइम दो। शॉर्ट आंसर जो है वर्ड लिमिट के अंदर लिखो, लॉन्ग आंसर भी वर्ड लिमिट के अंदर लिखो, लेकिन पॉइंट उसमें ज़रूर आउटलाइन करना, हाईलाइट करना।